बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्रिएटिव राइटिंग के क्विज़ नंबर वन का सलूशन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि बेसिक स्टार्ट हो चुका है और इसके कोर्सेज़ के क्विज़ भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं अभी आपके सामने ही आप क्विज़ को सॉल्व करूँगा। तो मैं तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज के जो क्विज़ होंगे और उनके जो सोल्यूशन होंगे और इनकी एक्सरसाइज और उनके सोल्यूशन में सभी का चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये सभी कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो लाजमी से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप जल्दी से आसानी के साथ सबसे पहले उस असाइनमेंट या क्विज़ को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने ही इस क्विज़ को सॉल्व करते हैं। तो क्विज़ को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली क्विज़ के सेक्शन में आ जाना है और जो कोर्स के क्विज़ आप करना चाहते हैं वहाँ पर आपने सिंपली कोर्स टेक क्विज़ पर क्लिक कर देना है। तो लेकिन मैं क्विज़ को स्टार्ट नहीं करूँगा, आपको एक और छोटी सी बात बता दूँगा, एक टिप है आपके लिए। तो आपने इस तरह से अलाउ कॉपी के नाम से एक्सटेंशन है ये क्रोम ब्राउज़र में, लाजमी से आपने ऐड कर लेनी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्विज़ आपको नहीं आ रहा होगा वो आप गूगल पर सर्च करके उसका आंसर देख सकते हैं। तो ये जो क्विज़ मैं करने वाला हूँ तो ये मेरा खुद के नहीं है, तो मेरे दोस्त के हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैं अपने नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, मैं आपको करेक्ट करके दिखा दूंगा। उसके अलावा बाकी हम गूगल से देखेंगे और उसके आंसर को ढूंढेंगे। तो चलिए अपने बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं टेक क्विज़ पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप इंस्ट्रक्शन ये रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ना भी करें तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपली आपने स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक कर देना है तो आपके क्विज़ हो जाएंगे स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन नंबर वन आ चुका है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंक्शन राइटिंग, ठीक है। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, राइटिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन, वोकैबुलरी, मार्केटिंग, मेकिंग स्टोरीज, ठीक है। तो ये जैसे आपको पता है फिक्शन राइटिंग, तो ये है राइटिंग स्किल के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको नहीं आता तो सिंपली आना अपने करना है कॉपी कंट्रोल सी व गूगल, मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंटर करना है तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट फंक्शन पुटिंग सिंबल एंड पुट व्यू, ठीक है, ये आपको बता देगा कि ये किसके लिए है, ठीक है। यहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑल थ्रू राइटर्स, ठीक है, राइटर के लिए, जैसा मैं आपको बता दिया राइटिंग स्किल के लिए। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न कॉमेडी राइटिंग, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मॉडर्न राइटिंग के लिए नहीं है, मीम्स, ठीक है। मीम्स तो आपको पता ही होगा कि मीम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है, बनी होती है पिक्चर वगैरह, ठीक है, उस पर भी होती हैं और, ठीक है। उसके बाद मॉस्क, मस्जिद, ये नहीं है। उसके बाद जॉक्स और वीलॉग्स, ठीक है, वीलॉग्स, तो मॉडर्न कॉमेडी राइटिंग, वीलॉग्स, कॉमेडी रिटन, ठीक है, यो, और इसका आ जाएगा वीलॉग्स जो होते हैं ना, वो जो होते हैं वो कॉमेडी राइटिंग में नहीं आते, ठीक है। हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद आ चुका है क्वेश्चन नंबर थ्री, अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट एनएक्साइटी एंड अनसर्टेन अबाउट व्हाट मे हैपन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरर, सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांस, इसे हम कहते हैं सस्पेंस, कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सस्पेंस। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर जब आ चुका है, अ पोइम दैट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस इज कॉल्ड अगली सोनेट, हैकू, लिमरिक, ठीक है। तो जैसे ये मुझे नहीं आता तो सिंपली यहाँ से मैं करूँगा कंट्रोल सी, यहाँ पर आएंगे कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंटर पुट करेंगे, ठीक है। इसे हम करते हैं सोनेट, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमें आंसर मिल गया। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव आ चुका है, पोलाइट स्कैम्स मीन्स एक्स्ट्रा सीरियसनेस इन राइटिंग, इट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट इमोशन और लाफ, एक्स्ट्रा पोलिटनेस विद बिकम अ स्कैट कन्फ्यूजन नेचर ऑफ अ पर्सन, पोलाइट स्क्रेम्स मीन, ठीक है। तो इसे भी हम करेंगे यहाँ से कॉपी, क्योंकि ये भी मुझे नहीं आता, तो यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल वी और यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल इज द पोलाइट स्क्रेम, ठीक है, तो ये पर्सन वाला आएगा, कन्फ्यूजिंग नेचर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये आएगा। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स आ चुका है, बट स्क्रैम्स टू मेक फन ऑफ समथिंग टू शार्प बिटर और कटिंग एक्सप्रेशन अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, इसे हम करते हैं, इसे करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन आ चुका है, द ब्रांच ऑफ राइटिंग
मोस्टली रिटर्न टू इंटरटेनमेंट द ऑडियंस इज कॉल्ड ब्लॉग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। तो इसे हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। अ पोइम दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट एंड इज शेप द सेम एज द ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब इज नॉन एज। ठीक है, तो ये भी मुझे नहीं आता, तो इसे हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। तो टीचिंग पोइट्री इमोशंस, ठीक है, डज नॉट हैव एनी इमोशंस से शेप पोइम। तो इसे हम कहते हैं शेप पोइम। करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 चौके, गेम ऑफ थ्रोन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स ऑफ राइटिंग, साइंस फिक्शन, माइटोपिया, क्लिक, रियल फिक्शंस। तो इसे भी हम देख लेते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। फर्स्ट नावल आइस एंड सीरीज ऑफ फैंटेसी नावल, ठीक है, क्लिक फ्रिक्शन, रियल फिक्शन। तो ये है रियल फिक्शन या माइटोपिया, इसे हम देख लेते हैं। तो इसका ये वाला आएगा रियल फिक्शन, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, सस्पेंस क्रिएशन बाय इंक्रीजिंग प्रॉब्लम एंड रिड्यूसिंग टाइम इज अ टेक्निक कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कॉन्स्ट्रेन, ट्रबल कॉन्स्ट्रेन, टाइम कॉन्स्ट्रेन, मिनट कॉन्स्ट्रेन। तो इसे भी हम यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, एंटर। इसे हम कहते हैं इक्वल टू सस्पेंस, टाइम कॉन्स्टेंट, ट्रबल, प्रेशर। टाइम, तो इसका आ जाएगा टाइम कॉन्स्ट्रेंट। तो हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। फाइनली हमारे क्विज हो चुके हैं कंप्लीट। तो आपने देखा किस तरह से हमने गूगल की मदद से अपने क्विज को बड़ी आसानी के साथ कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।